एक बड़ा सुंदर बचपन में हम गाते थे गीत, बड़ी ने टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह, टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह, जाको जाको आदि अंत और नहीं, जाको आदि मध्य अंत नहीं, जाको आदि मध्य अंत नहीं, जाको आदि मध्य अंत नहीं, ऐसी सड़क है भगवान से मिलने की, ऐसी सड़क है जिसका कोई नाप तोल नहीं है। दिल्ली चले जाओ तो मालूम पड़ जाएगा यहां से लगभग 80-90 किलोमीटर है, मथुरा चले जाओ 40 किलोमीटर है, समुद्र पार चले जाओ अमेरिका वहां भी नाप तोल है इतने हजार। लेकिन ये जो रास्ता है इसकी शुरुआत किसी ने नहीं देखी, न इसके बीच का पता है कि हम बीच में आए हैं, कि शुरुआत में हैं, कि रास्ते के आखिर में हैं, कुछ पता नहीं पड़ता है। ऐसे रास्ते पर भगवान से ढूंढने के लिए निकला करते हैं लोग, जिस रास्ते की कोई पैमाश नहीं, लाख जन्म लगेंगे कि करोड़ जन्म लगेंगे कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, अन कोई कुछ कह सकता है। जाको आदि मध्य अंत नहीं, जाको आदि मध्य अंत नहीं, और अनंत अथाह, और अनंत अथाह, नहीं पता पड़ रहा है कि कितनी दूर है मंजिल। ऐसे पथ पर फिरे टटोलत, ऐसे पथ पर फिरे टटोलत, जिन्हें तुम्हारी चाह प्यारे श्याम तेरी राह, जिन्हें तुम्हारी चाह प्यारे श्याम तेरी राह, बनी रे टेढ़ी मेरी प्यारे श्याम तेरी राह, बड़ी रे टेढ़ी मेरी प्यारे श्याम तेरी राह। एक जरा सी कामना आती है और सत प्रेम को असत बना देती है। यही प्रहलाद जी ने कहा था, बणिक बना देती है। यस्त्र आशीष आशास्त्र नसा भक्ता सवई बणिक, एक छोटी सी कामना आती है, मर जाओ, जीवन की कामना नहीं करो, ये सत प्रेम है। अनंत कष्ट भोग लो, त्राण की कामना नहीं करो प्रहलाद की तरह, ये सत प्रेम है। होशियार रहो, देखो तुम्हारे मन में कहां से कामना आती है, किस छेद से घुसती है। सावधान नहीं रहोगे तो तुम्हारा प्रेम असत हो जाएगा। याद रखो भगवान ने यही कहा था, आपूरी माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशंति अद्वत तद्वत कामाहयम प्रविशंति सर्व।
में नदियां लीन हो जाती हैं, पता नहीं पड़ता कहां गई। उसी तरह से अनंत काल के लिए इनको लीन कर दो। बस यही है सत्य, और नहीं तो पग पर माया ले बैठी, पग पर माया ले बैठी, क्षण भंगुर सुख जा, क्षण भंगुर सुख जा, एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, छोटे से थे तो छोटे बच्चों को कहानी बड़ी अच्छी लगती है, कोई कोई कहानी अब तक याद है, यद्यपि वो गप्पे होती हैं, है गप, लेकिन वो पढ़ी थी बहुत बहुत छोटे, यानी कितने बड़े छोटे रहे होंगे याद नहीं है, 5 साल के थे कि 6 साल के पता नहीं, लेकिन वो याद है। एक जंगल था, उस जंगल में एक गुफा थी, और उस गुफा के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी रहती थी, सफेद कपड़े पहन करके, लठिया लेकर के, और गुफा ऐसी रही थी गंदी बंदी, बढ़िया बढ़िया रास्ता, सीढ़ियां संगमरमर की बनी भई, और जैसे लगता था जैसे बड़ा कोई दिव्य भवन है नीचे। कोई जाता था उस जंगल में तो उस सुंदर गुफा और दिव्य सीढ़ियां देख करके चमचमाती भई, पूछता था कि माता, बुढ़िया माँ, ये क्या है? वो कहा करती थी कि बेटा, इसमें, इसके भीतर एक राजकुमारी सो रही है, राजमहल में, राजमहल है। बोले वो जो उसको जगा देगा वही उसका पति बन जाएगा, ये सारे इसका मालिक बन जाएगा। अच्छा, तो सब घुसते थे, और उस जादुई नगरी में बहुत लंबा रास्ता था, गुफा मीलों लंबी, और उसमें जाने कहीं चांदी पड़ी हुई है, चांदी खिलौने, कहीं सोने के, कहीं मणियों के, जाने कितने चमकदार खिलौने, आश्चर्य की चीजें पड़ी रहती थी। तो देखने वाले जब जाते थे तो जहां किसी चीज को लेने के लिए कोशिश करते थे, मान लीजिए कोई एक सोने का हंस है या नीलमणि का तोता है, बड़ा सुंदर है, चमक रहा है, बार बार मुंह खोलता है, मोती गिरता है, ऐसी सी अजीब चीजें थी, आपने उसको लेने की कोशिश किया, बस वहीं पत्थर बन जाते थे। वो जादूगरनी चुड़ैल थी, वो इस तरह से उसने अपनी माया से जाने कितने को खा लिया था। एक कोई राजकुमार गया, बड़ा वीर था, उसने कहा कि वहाँ पहुँचा उस जंगल में, बोले बुढ़िया माँ, ये क्या रास्ता है? बोले ये तो इसके भीतर महल है बेटा, तो उसमें एक राजकुमारी सो रही है, जो उसको जगा देगा वो उसका पति बन जाएगा। अच्छा, तो सो क्यों रही है? बोले कोई जाता है लोग जगा नहीं पाते हैं। अच्छा, क्यों? पता नहीं क्यों रुक जाते हैं बीच में। बहादुर था, उसने तलवार निकाला, बोले मैं जाता हूँ, घोड़ा उदड़ाया, देखता गया, इधर चांदी की खाने हैं, इधर सोने के हैं, इतनी मणि हैं, दिव्य, देखता धड़ा धड़ चलता चला गया, किसी भी चीज़ को न छुआ न लालच, देखता चला गया, कहीं हंस तैर रहे हैं, कहीं सुंदर फूल है, कहीं कमल है, लेकिन घोड़ा दौड़ाता गया, दौड़ाता गया, और उस गुफा के भीतर मीलों रास्ता पार करके वहां महल था सच में पहुंचा।
देखा महल की सीढ़ियां मणियों की बनी हुई हैं। महल की इस भीतर घुसा, महल में बड़े बड़े दिव्य खिलौने लटक रहे हैं, आश्चर्यजनक चीजें, कोई कहीं संगीत आ रहा है, कोई कुछ नहीं सुना बुना, क्या आवाज़ कहाँ से वीणा आई, कहाँ से सितार आया, क्या वजह। सीधे चलता चला गया भीतर शयन कक्ष में पहुँचा, जो राजकुमारी सो रही थी, देखा सच में सो रही है। जाकर ए उठो, उठ गई। अरे तुम कौन हो? बोले मैं एक राही हूं। बोले तुम्हें क्या वो जादूगरनी नहीं मिली? बोले मिली तो थी, वो जादूगरनी है। हाँ बोले उसने हम मुझे भी जादू से बांध रखा था, एक सीमा थी कि जो मुझे जगाएगा तब उसका जादू टूट जाएगा और वो मेरा पति होगा। वो जादूगरनी है? हाँ। मैं अभी इसको देखता हूँ। बोले अब नहीं मिलेगी तुमको, तुमने इसको जीत लिया, उसके जितने भी लोभ थे तुमने लोभ को जीता, ये चांदी की खाने छोड़ी तुमने, सोने की खाने छोड़ी, हीरे की खाने छोड़ी, मणियों की खाने छोड़ी, तुमने सब छोड़ दिया, तुमने उसको जीत लिया, अब तुम्हें नहीं मिलेगी वो, अब तुम्हें मैं मिलूंगी, तुम सबके स्वामी हो। वो उसको लेकर के जाता है बाहर, तो सच में बुढ़िया गायब रहती है। तो बात यह है, ये जादू करनी माया है। बड़ पग पग पर माया ले बैठी, पग पग पर माया ले बैठी, क्षण भंगुर सुख जा, क्षण भंगुर सुख जा। क्या विडंबना है, हमारे जैसे लोग साधु बन के आते हैं, आज यहाँ चिट्ठी है, आज वहाँ चिट्ठी है, आज वहाँ 11 मिलेगा, आज 51 दक्षिणा मिलेगी, ये सब क्या है? ये सब उस जादूगरनी का खेल है। पग पग पर माया ले बैठी, पग पग पर माया ले बैठी, क्षण भंगुर सुख जाहर सुख जा। गलत सलाह प्यारे श्याम तेरी राह, देकर गलत सलाह प्यारे श्याम तेरी राह, ये पड़ी ने टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम। छोटे मोटे हम लोगों क्या चलाई, हाथी बही जाए और गधैया था मांग रही है। बड़े बड़े पंडित मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े, बड़े पंडित मुनि ज्ञानी, ये 5 लाख का वो ड्राफ्ट आ गया, ये सब क्या है? रो रहे हैं, छोटे छोटे रो रहे हैं, ये नष्ट कर देते हैं।